हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा भोलेनाथ के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन और यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ धाम तक कैसे पहुँचे, बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँच कर कहाँ रुके, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह झारखंड के देवघर में स्थित है। पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह पवित्र स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को बैद्यनाथ के अलावा बैजनाथ और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम तक कैसे पहुँचे। बाबा बैद्यनाथ धाम आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन आ सकते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन से ट्रैवल करना। बाबा धाम आने के लिए सबसे पहले जयसीडी स्टेशन पहुंचना होगा, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो। अपने शहर से जयसीडी तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। जयसीडी से बैद्यनाथ मंदिर लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जयसीडी से बैद्यनाथ मंदिर तक जाने के लिए ऑटो ले सकते हैं जो केवल 30 से 40 रुपए में मंदिर तक पहुँचा देगा, या फिर ट्रेन से जयसीडी से बैद्यनाथ रेलवे स्टेशन तक भी जा सकते हैं। आसपास के शहरों और राज्यों से बैद्यनाथ धाम तक आने के लिए आपको डायरेक्ट बस सर्विस भी मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देवघर में ही एयरपोर्ट है जो मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से टैक्सी या ऑटो लेकर सीधा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं देवघर पहुंचकर कहां रुके। आपको बता दें मंदिर के आसपास बहुत सारा होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। होटल की बात करें तो यहां होटल का चार्ज 600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 1000 से 1500 रुपए के बजट में अच्छी फैसिलिटी वाले एसी रूम मिल जाएगा। यहाँ धर्मशाला की बात करें तो आपको धर्मशाला शिवगंगा साइट पे मिल जाएगा जिसका चार्ज 300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 500 से 700 रुपए के बजट में आपको बढ़िया सा धर्मशाला रहने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या है। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु सबसे पहले शिवगंगा सरोवर में स्नान करते हैं, इसके बाद वे बैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं। आपको बता दें शिवगंगा सरोवर बाबा बैद्यनाथ धाम के पास में स्थित है। इस सरोवर में स्नान करने से लोगों को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और उनका कल्याण हो जाता है। शिवगंगा के जल का महत्व उतना ही है जितना गंगा जल का महत्व है। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसका जल कभी नहीं सूखता। जो भी भक्त बैद्यनाथ धाम आते हैं यहाँ जरूर स्नान करते हैं। तो शिवगंगा सरोवर में स्नान करके फिर हम निकल गए बैद्यनाथ मंदिर की ओर दर्शन करने। मंदिर में दर्शन करने से पहले प्रसाद ले लेना है। प्रसाद में फूल, बेलपत्र, गंगाजल आदि बाबा भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं।
मंदिर के आसपास बहुत सी प्रसाद की दुकानें हैं जहां आप प्रसाद खरीद सकते हैं। प्रसाद लेकर आप मंदिर में इंटर करें। मंदिर में इंटर करने की कोई भी एंट्री चार्ज नहीं लगता है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए दो लाइन होती है, एक वीआईपी लाइन और दूसरा जनरल लाइन। जनरल लाइन में दर्शन करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जनरल लाइन में दर्शन करने में 3 से 4 घंटे तो लग जाता है, क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप वीआईपी लाइन में दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के परिसर में ही 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टोकन मिल जाएगा। इसमें केवल 30 से 40 मिनट में ही बाबा भोलेनाथ का शीघ्र दर्शन कर पाएंगे, लेकिन सैटरडे संडे मंडे को 1 से 2 घंटा दर्शन करने में लग सकता है। तो सबसे पहले हम लाइन में लगकर बोलबम का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ का दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। पुराणों के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर का संबंध लंका नरेश रावण से है। ऐसा कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव उसे रोक नहीं पाए, लेकिन भगवान शिव ने रावण से एक शर्त रखी, यह शिवलिंग जहां पर भी रख दोगे वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। रावण ने बाबा भोलेनाथ का यह शर्त मान ली और वह शिवलिंग को लेकर लंका ले जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में रावण को लघु शंका लग गई। उसे एक चरवाहा बालक दिखा। रावण ने उस बालक को शिवलिंग पकड़ा दिया और कहा कि शिवलिंग को जमीन पर मत रखना, मैं तुरंत आता हूँ। लेकिन रावण को आने में देर हो गई, तब तक बालक शिवलिंग को जमीन पर रख चुका था, जिस कारण भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए इस मंदिर को रावणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन और पूजा हमने अच्छे से किया, फिर हम बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर आ गए। बोलिए हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा मंदिर के परिसर में कई मंदिरें हैं। मंदिर के परिसर में ही माँ पार्वती जी का मंदिर भी स्थापित है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर आप माँ पार्वती के दर्शन जरूर करें। इसके अलावा यहाँ माता काली, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सभी देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। आप वहां भी दर्शन जरूर करने जाएं। अब हम बात करते हैं मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग क्या है। मंदिर में दर्शन सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आप फोन लेकर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में आप प्रवेश करते हो तो अपने फोन को पॉकेट में या फिर पर्स में जरूर रख लें, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से फ़ोन गिरने का डर भी लगा रहता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। हर हर महादेव। बाबा धाम में पूजा पाठ अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे मांगलिक कार्य भी होते हैं, जैसे शादी विवाह, बच्चों के मुंडन आदि भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाबा धाम जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। वैसे तो बाबा धाम पूरे साल भक्तों के दर्शन करने के लिए खुला रहता है, आप कभी भी यहां आकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर से अप्रैल के महीनों के दौरान यहां दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। सावन के महीनों और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस टाइम पर बाबा धाम में काफी ज्यादा भीड़ रहती है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिल जाती है,
जहां से आप घर ले जाने के लिए प्रसाद, पूजा पाठ की चीज़ें, देवी देवताओं की तस्वीरें और उनकी मूर्तियां आदि घर ले जाने के लिए खरीद सकते हैं। आपको बता दें, बाबा धाम का पेड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका टेस्ट अलग ही रहता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। तो आप जब भी बाबा धाम आते हो, यहाँ से पेड़ा ज़रूर खरीद कर ले जाएं। यहाँ रास्ते में कई सारे पेड़े की दुकान भी मिल जाते हैं, जहाँ से आप पेड़ा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें रास्ते में मिल जाती है, जहाँ आप भोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बाबा धाम का यात्रा समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ अपने दरबार आपको जल्दी बुलाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिप के साथ। हर हर महादेव।